नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ एंड नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग आई आई तो बी एफ द्वारा आयोजित एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एम एस एम ई पर बात करेंगे इस एग्जाम के लिए आई आई बी एफ ने जो बुक सजेस्ट की है उसमें एम एस एम ई टॉपिक पर आठ चैप्टर हैं तो मैंने भी अपने वीडियोज़ को आठ भाग में बांटा है आज हम लोग इस टॉपिक का आठवां और अंतिम भाग देख रहे हैं टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑन फ्यूचर ऑफ एम एस एम ईज अगर आपने अब तक पहले वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उन्हें देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन फ्यूचर ऑफ एम एस एम ई इसमें इस चैप्टर तो, इस में मूलतः चार टॉपिक को कंबाइन किया गया पहला माइक्रो फाइनेंस दूसरा रिलेशनशिप बैंकिंग तीसरा बेस्ट सेल रेगुलेशन एंड मार्केट रिस्पॉन्सेज और चौथा डब्ल्यू टी ओ एंड एम एस एम ई सेक्टर फिर हम लोग कुछ एमसी क्यू भी करेंगे बिना देर किए शुरू करते हैं है, किन के लिए है लो इनकम ग्रुप क्या पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल सर्विस ठीक है हु ट्रेडिशनली लैक एक्सेस ऑफ टू बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेस वैसे लो इनकम ग्रुप के लोग जो ट्रेडिशनली या नॉर्मली जिनको बैंकिंग और रिलेटेड सर्विस नहीं मिल पाती है उनको बैंकिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस पहुंचाने के लिए जो प्रोविजन है वो माइक्रो फाइनेंस है माइक्रो फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग माइक्रो क्रेडिट टू द पुअर ये अच्छी बात है माइक्रो फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग माइक्रो क्रेडिट टू पुअर रादर इट इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूल विच टिव इज टू टू असिस्ट पुअर टू वर्क देअर वे आउट ऑफ पोवर्टी मतलब ऐसा नहीं है कि आप गरीब गरीबों को लोन दे दें तो उसको माइक्रो फाइनेंस बोलेंगे नहीं लोन इस तरह से देना है या ये चीज इसको इस तरह से देखा गया है कि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो इन लोगों को असिस्ट करता है पुअर लोगों को इस तरह से कि वो अपनी गरीबी से दूर हो सके इनकम जनरेशन हो सके और वो गरीबी से दूर हो सके एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट माइक्रो फाइनेंस का यहाँ पे देखा जा रहा है इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ सर्विस लाइक क्रेडिट सेविंग इंश्योरेंस रेमिटेंस एंड नॉन फाइनेंशियल लाइक ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्या क्या है इसमें है बोरवर आर फ्रॉम द लो इनकम ग्रुप जो माइक्रो फाइनेंस के बोरोवर होंगे इसके जो क्रेडिट दिया जाएगा जो एडवांस दिया जाएगा उसके जो बरोर होंगे वो लो इनकम ग्रुप के होंगे लोन्स आर ऑफ स्मॉल अमाउंट जो लोन का अमाउंट होगा वो काफी छोटा होगा माइक्रो लोन्स जैसा होगा वो ये लोन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे लोन्स आर ऑफर्ड विदाउट कोलेट्रल क्योंकि उनके पास देने के लिए तो कुछ होगा नहीं ना इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपेमेंट जो रीपेमेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी ये क्यों हाई होगी उनके पास कम ही पैसा है तो वो ये चाहेंगे कि पैसे जोड़ के बड़ा बना के नहीं दें जितना पैसा है उसको जब जब भी दे पाए तो देते जाए ठीक है इसलिए यहाँ पे ये रीपेमेंट की फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है लोन्स आर जनरली टेकन फॉर इनकम जनरेशन पर्पज कुछ लोन लेंगे उससे कुछ बनाएंगे कुछ कमाएंगे तभी वापस कर पाएंगे ठीक है तो जो जनरली है ये ल, ल, मतलब लवाइस लाइफ के लिए नहीं है ठीक है इनकम जनरेशन परपस के लिए कार खरीदने के लिए माइक्रो फाइनेंस का लोन नहीं होगा ठीक है ये लोअर इनकम वाले ग्रुप को इनकम जनरेशन परपस के लिए जनरली दिया जाएगा तो ये था इसका साइलेंट फीचर आगे देखते हैं हम लोग माइक्रो फाइनेंस एनजीओ रजिस्टर्ड एज सोसाइटी ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनी किसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनी कहते हैं नॉट फॉर प्राइफिट प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी ठीक है एंड एनवीएफसी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज़ तो जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं वो इस रूप में एग्जिस्ट करते हैं क्या-क्या एनजीओस सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनीज और एनबीएफसीस ठीक है आगे बढ़ते हैं चैनल ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्या है इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस ऑपरेट्स थ्रू टू चैनल्स टू चैनल्स कौन-कौन से पहले एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम ठीक है और दूसरा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो माइक्रो फाइनेंस का चैनल है वो ये दो है है में SSG में में करते हैं हम लोग ठीक सेल्फ हेल्प ग्रुप और दूसरा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा माइक्रो फाइनेंस का काम होता है आगे देखते हैं कंसर्न क्या है माइक्रो फाइनेंस के वो देखते हैं लीगल स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन लीगल स्ट्रक्चर और रेगुलेशन माइक्रो माइक्रोफाइनेंस का कैसे कंसर्न है वो हम लोग देखते हैं ऑल दो एस एच जी बैंक लिंकेज मॉडल इज वेल मैनेज्ड इन इंडिया बाय नबार्ड करेंटली देयर इज नो प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी फॉर सुपरविजन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ठीक है थ्रू द ने द सीज विच कवर द मेजर पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो बाय द माइक्रो फाइनेंस चैनल आर रेगुलेटेड बाय आर बी आई अदर एम एफ आईज लाइक सोसाइटी ट्रस्ट सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनीज एंड कॉपरेटिव सोसाइटीज फॉल आउटसाइड द प्रभ्यू ऑफ आर बी आई रेगुलेशन ये बोल रहा है कि एन बी एफ सी तो आर बी आई के प्री में आ जाता है लेकिन दूसरे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सोसाइटी ट्रस्ट ठीक है सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनीज और कॉपरेटिव सोसाइटीज़ ये आर बी के प्रिव्यू से बाहर हो जाते हैं तो, तो इसलिए हो जाता है यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर रेगुलेशन के संबंध में माइक्रो फाइनेंस के बारे में एक कंसर्न जताया जाता है ठीक है फिनेंशियल इलिट्रेसी फिनेंशियल इलिट्रेसी मेक्स इट डिफिकल्ट इन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ माइक्रोफाइनेंस एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू सर्व देम एज माइक्रोफाइनेंस क्लाइंट्स जिन लोगों को जिन लो इनकम ग्रुप लोगों को माइक्रो के थ्रू हेल्प की जाती है उनकी फाइनेंशियल इलिटरेसी उनका वित्तीय असाक्षर होना इस बात को, को लेके काफी कठिनाई करता है कि बात को लेके माइक्रो के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और माइक्रो क्लाइंट के रूप में उनको सेवा देने के लिए ठीक है Inability to generate sufficient funds, inability of micro financial institutions to reach sufficient funds remain one of the important concern in the microfinance sector. Though, through NBFCs are able to raise funds, T H O U G H the NBFCs are able to raise funds through private equity investment because they because of the for, uh, for profit motive. Such MFIs are restricted from taking public deposits. MFIs receive debt from banks against their equity. MFI receives debt from banks against their equity. And in order to increase their portfolio size, they need to increase their debt for which they further need to increase their equity. ये एक कोरिलेशन वाला मामला है ठीक है इसलिए एम के बारे में कहा जाता है कि दे आर दे शो एन एबिलिटी टू जनरेट सफिशियंट फंड ठीक है अगला कंसर्न क्या है ड्रॉप आउट एंड माइग्रेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स द टू मेजर प्रॉब्लम विथ द ग्रुप लैंडिंग कंसेप्ट आर ड्रॉप आउट मतलब वेन वन और मोर मेंबर्स लीव द ग्रुप ठीक है, एन माइग्रेशन वेन वन और ग्रुप तो दो कंसर्न हुआ माइग्रेशन और दूसरा drop out. Drop out हुआ, के चला जाना, uh, छोड़ देना और माइग्रेशन कर दूसरे यूनिट में दूसरे ग्रुप में चला जाना ये एम एफ आईज द्वारा जो ग्रुप लैंडिंग कंसेप्ट है उसको सही से इम्प्लीमेंट करने में ये दो पॉइंट ड्रॉप आउट एंड माइग्रेशन बाधक hope i am clear next transparent pricing non transparent pricing by mfis confines loan products because they don't know the actual price in absence of the proper understanding of pricing clients end up borrowing more than their ability to pay back which result in over indebtedness of the borrower क्या होता है जो प्राइसिंग के बारे में एम एफ आईज के जो प्रोडक्ट हैं लोन प्रोडक्ट उसके प्राइसिंग के बारे में पता नहीं होने के कारण जो क्लाइंट्स हैं वो ओवर बोरोइंग ओवर इनडेपेडेंट्स कर लेते हैं और जितना उनका पे बैक एबिलिटी है उसे ज्यादा का वो कर लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे ज़रूरी है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग जो एम एफ के लोन्स में है नहीं आगे देखते हैं क्लस्टर फॉर्मेशन फाइट टू ग्रैब मार्केट एम एफ आई ड्राइव टू ग्रैब एन स्टैब्लिस्ड मार्केट एंड रिड्यूस देयर कॉस्ट इन इन फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स बाई गेटिंग एंड माइक्रो माइक्रोफ मार्केट एम एफ आई रिड्यूस देयर इनिशियल कॉस्ट इन ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स एजुकेटिंग देम एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट माइक्रो फाइनेंस ये माइक्रो फाइनेंस क्या करते हैं मार्केट ढूंढ करके और वहां पे अपना पैसा बचाते हैं क्या करने में ग्रुप फॉर्मेशन करने में एजुकेटिंग देम यानी ग्रुप के जो लोग हैं उनको एजुकेट करने में और माइक्रो फाइनेंस के बारे में क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करने में ये क्या करते हैं जो एस्टेब्लिश मार्केट होता उसका है उसका यूज करते हैं ठीक है और अपना कॉस्ट रिड्यूस करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर एंड एजुकेटिंग दम एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट माइक्रो फाइनेंस तो क्या होता है दिस क्लस्टर फॉर्मेशन इज फ्रॉम रीचिंग द रूरल एरिया वेयर देयर इज एक्चुअल नीड ऑफ माइक्रो फाइनेंस तो ये क्या करेंगे सेमी अर्बन एरिया या अर्बन एरिया में अपना प्रोडक्ट देंगे लेकिन रूरल एरिया में अगर ये जाएंगे तो इन, इनको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी क्लस्टर फॉर्मेशन में और इसके लिए इनिशियल कॉस्ट लगेगा इस इनको मेहनत करने पड़ेगी उनको एजुकेट करने में और माइक्रो फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो इनसे बचने के लिए ये एस्टेब्लिश मार्केट यूज करते हैं और एस्टेब्लिश मार्केट कहाँ होता है अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया में ठीक है तो ये एक ड्रॉबैक हुआ नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल लेंडिंग एंड ओवर इंडेप्टेंट्स। ओवर इंडेप्डेंस के बारे में बात की है जाते से ज्यादा लोन लेना और मल्टीपल लेंडिंग मल्टीपल लेंडिंग का जो कैसा वो भी हम लोग देखते हैं एमएफएज आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज़ बरोअर इन द सिचुएशन ऑफ ओवर इंडेप्डेंस ए सिचुएशन हुआ हैज टेकन लोन मोर देन हिज रिपेइंगी कैपेसिटी हमने ऊपर भी देखा एंड फेलिंग टू मेक पेमेंट्स एंड एनहेंस रिकवरी रेट्स ऑफ द एम एफ आइज आर इज नॉट गुड फॉर एम एफ आईज क्या करता है बोरवर एक से एक से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेता है एम एफ आई से और दूसरा ओवर इंडिया एक से भी लिया तो अपनी रिपेइंग कैपेसिटी से ज्यादा ले लिया तो उस केस में भी जो पर्पस है माइक्रो फाइनेंस का वो सॉल्व नहीं होता है और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो कंसर्न है माइक्रो फाइनेंस का उसमें इन पॉइंट्स को गिना जा सकता है माइक्रो फाइनेंसिंग के कुछ इनिशिएटिव हैं जो फैमिलियर हैं हमारे आपसे उसके बारे में देख लेते हैं पहला मुद्रा बैंक इसके बारे में आप बिल्कुल जानते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हुआ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा मुद्रा बैंक ऑन 8 अप्रैल 2015 विद अ कॉर्पस ऑफ ₹20000 करोड़ एंड अ क्रेडिट गारंटी कॉर्पस ऑफ ₹3000 करोड़ मुद्रा बैंक हैज क्लासिफाइड द बरोअर्स इनटू थ्री सेगमेंट्स कौन-कौन सा द स्टार्टर द मिड स्टेज फाइनेंस सीकर एंड द नेक्स्ट लेवल ग्रोथ सीकर ठीक है टू एड्रेस द्री सेगमेंट मुद्रा बैंक बट पांच लाख से, से जाए लेकिन दस लाख से कम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रेडिट प्लस अप्रोच क्या है मुद्रा वुड ऑल्सो एडॉप्ट क्रेडिट प्लस अप्रोच एंड टेक इंटरवेंस फ्रॉम डेवलपमेंट सपोर्ट इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बेनिफिशरी सेगमेंट सच एज मुद्रा बैंक और क्या क्या करता है वो देख लेते हैं सपोर्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल बिजनेस फिनाशिटीज सेंड्रीज विथ एनआरएल नेशनल रूरल लाइवलीहुडन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्किंग विथ क्रेडिट ब्यूरो वर्किंग विथ रेटिंग एजेंसीज समय प्लान फॉर द फ्यूचर फ्यूचर में क्या क्या है? मुद्रा बैंक ला रहा है मुद्रा कार्ड ला रहा है पोर्टफोलियो क्रेडिट गारंटी ला रहा है और क्रेडिट एनहांसमेंट ला रहा है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप जानते हैं बट एक बार मैं इसको फिर से करा दे रहा हूँ मोटो क्या है इसका फंड द अनफंडेड जिनको लोन नहीं मिला है उनको लोन देना डिटेल्स ऑफ द स्कीम क्या है नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या होगी टीएल टर्न लोन एंड वर्किंग कैपिटल दोनों है लिमिट क्या है मैक्सिमम दस लाख है एलिजिबिलिटी ऑल नॉन फर्म इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल सेगमेंट अंडर एम एस एम ई एंड इंगेज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन मैनुफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस एंड हुआ अपू टेन लाख क्योंकि दस लाख तक ही इसमें दे सकते हैं एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है नोट कीजिए इसको ओवर ड्राफ्ट अमाउंट ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड सेंशन अंडर पी एम जे डी वाई प्रधानमंत्री जनधन योजना में बी क्लासिफाइड एज मुद्रा लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखते हैं पीरियड अगर टर्न लोन या डिमांड लोन है तो यह मैक्सिम एटी फोर मंथ में किया जाएगा यहां पर सुटेबल मोरिटोरियम भी दिया जाएगा और सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू वर्किंग कैपिटल है तो 12 महीने के लिए होगा ये सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नो कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड सीजीटीसी कवरेज सारे अकाउंट में जो भी एलिजिबल होंगे सीजी टी कवरेज ले सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है माइक्रो फाइनेंस के बाद वो है रिलेशनशिप बैंकिंग हम लोग रिलेशनशिप बैंकिंग देखते हैं छोटा सा टॉपिक है बुक में दिए हुए बड़ा बट मैंने पढ़ के देखा तो कुछ खास मुझे लगा नहीं आपको बताने के लिए जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं नोट करके लाया हूँ और वो आपको बता रहा हूँ रिलेशनशिप बैंकिंग देख रहे हैं रिलेशनशिप बैंकिंग ऑफरिंग कस्टमर्स ए ब्रॉड एरिया ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट गो बियॉन्ड सिंपल चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स फिनेंशियल सर्विसेज मार्केटिंग इन विच अ बैंक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट ऑफिसर कस्टमर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर

उपलब्ध करा के कस्टमर को देना इसी को रिलेशनशिप बैंकिंग कहेंगे बैंक में आज के डेट में आप देखे होंगे कि जो बैंक ऑफिसर होते हैं उनके नोमिनचर चेंज हुए हैं डिजिग्नेशन के आगे उनका अकाउंट ऑफिसर लिखा रहेगा या कस्टमर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेटिव लिखा रहेगा या पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर लिखा रहेगा इस तरह का एक नया ट्रेंड है ये रिलेशनशिप बैंकिंग का उसको फॉलो किया जा रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी हैज़ बिन डिफाइंड अ कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच फॉर क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप होता क्या है यही ऊपर वाली कहानी जो है वो भी वही इसमें होता है एक टर्म इसमें मुझे इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट लगा पढ़ने के दौरान प्राइसिंग तो प्राइसिंग के बारे में हम लोग देखते हैं द सर्विस मार्केटरेट यूज यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेटिंग अ प्राइस किसी का प्राइस फिक्स करने के लिए जो सर्विस मार्केटरेट होते हैं वो प्राइस जो फिक्स करते हैं वो किन तरीक़ों से करते हैं वो है कौन सा मेथड यूज करते हैं इसमें से कोई भी कर सकते हैं वो हम उस मेथड को समझ लेते हैं पहले है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इसमें क्या है मार्कअप ओवर ऑल कॉस्ट उसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग आल्सो कॉल्ड टारगेट रिटर्न प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव पैरिटी प्राइसिंग फॉलोइंग दैट सेट बाय मार्केट लीडर जो एक मार्केट लीडर ने सेट किया उसको फॉलो करके कॉम्पिटिटिव पैरिटी प्राइसिंग लेस लीडिंग प्राइसिंग शॉर्ट टर्म टू एस्टेब्लिश पोजिशन और टू क्रॉस सेल अदर सर्विसेज, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मार्केट ड्राइव एंड अप्रोच द कस्टमर, रिलेशनशिप प्राइसिंग इसमें क्या है बेस्ड ऑन फ्यूचर पोटेंशियल प्रॉफिट एस्टीम्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर्स हम एक इस चीज से नहीं कमा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में अगर ये कस्टमर हमारे साथ रहा तो हम इससे और कमा सकते हैं इस प्राइसिंग को कहते हैं रिलेशनशिप प्राइसिंग वैसल दिया हुआ वैसल आप जानते हैं बट चलिए मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं इसको भी सिंपल रखा है मैंने बैसल पे मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग सा वीडियो और वो अलग से वीडियो में पूरा बैसल होगा बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक में भी नहीं दिया है तो मैंने भी शॉर्ट में बैसल को यहाँ पे निकाला है बैसल ऐसा टॉपिक है जिसपे अलग से सेशन होना चाहिए तो अगर वीडियो बन जाएगी तो वो आपको आई बटन पर दिखेगा और तब तक अगर नहीं दिख रहा है तो अभी तक इसका मतलब वीडियो नहीं बनी है बैसल कमिटी बी सी फुल फॉर्म क्या है बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बी सी बी एस अंडर अंडर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इसके अंदर है ये हेडक्वार्टर क्या है बी आई एस का बैसल स्विट्जरलैंड में है बैसल थ्री के तीन पिलर क्या क्या हैं मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी डिब्यू और मार्केट डिसिप्लिन एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे आ जाता है तो आप इसको देख लीजिए क्रेडिट प्रोसेस एक क्रेडिट को प्रोसेस करने में क्या क्या तरीका है और इसका एक लाइन मुझे अच्छा लगा इस चीज को तो मैंने सोचा कि यह आपको बताया जाए क्रेडिट प्रोसेस के बारे में बैंक यूज टू बेसिक मेथड्स फॉर डिटर्मा क्रेडिट वर्दीनेस और द बैंक्स रिस्क लेवल पहला जजमेंटल दूसरा क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस द लोन ऑफिसर अटेम्प्टिडिक्ट विल बी गुड और बैड क्रेडिट कस्टमर ठीक है है तो ये पहला जजमेंटल वाला ठीक इसमें क्या होता है कि जो लोन ऑफिसर होता है वो खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के आधार पे ये तय करता है कि जो एप्लीकेशन उसके सामने है वो गुड कस्टमर है गुड गुड क्रेडिट प्रपोजल है गुड क्रेडिट कस्टमर है या बैड क्रेडिट कस्टमर बट क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में क्या होता है इट इज यूज फॉर मास क्रेडिट प्रोग्राम वेयर वॉल्यूम्स आर मटेरियल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यूज क्रेडिट स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिवली डिस्टिंग एप्लीकेश हुर एक्सप्रेस टू बी गुड अकाउंट्स एंड एप्लीकेंट्स हु आर लाइकली टू बी बैड अकाउंट्स इसमें बहुत सारे डाटा को कम्पाइल करके देखा जाता है क्रेडिट स्कोरिंग में डाला जाता है उससे कुछ सर्टेन परसेंटेज आता है सारे डाटा को डालने के बाद तो फिर तय होता है कि ये प्रपोजल करने लायक है गुड है या ये प्रपोजल बैड है द स्कोरिंग मेथड्स ड्रॉप प्रोफाइल्स फ्रॉम द बैंक्स लैंडिंग एक्सपीरियंस ये क्या करता है स्कोरिंग मोडिंग प्रोफाइल ड्रॉ करता है एप्लीकेशन का फ्रॉम द बैंक्स लैंडिंग एक्सपीरियंस यूजिंग एस्टेटिकल टेक्निक क्रेडिट स्कोरिंग मोडिंग मॉडल हेल्प द बैंक्स अप्रूव हायर परसेंटेज ऑफ गुड अकाउंट्स एंड डिक्लाइन हायर परसेंटेज ऑफ बैड अकाउंट्स ठीक है जब आप सारा डाटा को एक जगह डाल दीजिएगा एक सिस्टम बना के उसमें डाल दीजिएगा तो वो बताएगा ना कि इसका 60 परसेंट आया तो 60 परसेंट आया या 70 परसेंट आया तो आप उसको गुड प्रपोजल मानेंगे किसी का 30, 20, 10 या 50 से कम आया तो नॉर्मली 60 से कम आया तो उसको नॉट अ गुड प्रपोजल माना जाता है ठीक आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम सेक्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ है एक जनवरी उन्नीस सौ पंचानवे को इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टू प्रमोट मोर लिबरलाइज्ड मल्टी मल्टीलेटरल ट्रेड बाय कर्बिंग मार्केट डिस्टॉर्टिंग ट्रेड प्रैक्टिस फॉर गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ये बिजनेस को बढ़ाना चाहता है पूरे दुनिया में और जो मार्केट डिस्टॉडिंग ट्रेड प्रैक्टिस है उसको कर्व करना चाहता है द मेन थ्रस्ट इज ऑन द फेज रिमूवल ऑफ ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स रिडक्शन इन टैरिफ प्रोशन प्रोमोटिंग इंक्रीज मार्केट एक्सेस थ्रू रिमूवल ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स एंड रिडक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड सब्सिडीज सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट दू एस ए यूरोपियन यूनियन एंड जापान टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस ये पॉइंट याद रखिएगा कौन सा तीन यूएसए यू यूरोपियन यूनियन एंड जापान ये कितना हिस्सेदारी रखता है टू थर्ड वर्ल्ड ट्रेड का गुड्स और सर्विस में ठीक है अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएसएमई इन डब्ल्यू टी क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में या इसके रिजाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एम एस एम ई को मिले मिली है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट बिल्कुल सही ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल गया है बेटर टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो रही है एक्सेस टू ग्रेटर फंडिंग थ्रू एफ डी आई और ज्वाइंट वेंचर्स ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे तो ज्यादा एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ज्वाइंट वेंचर से फंडिंग मिल पाएगी ठीक है ये हुआ डब्ल्यू टी ओ रिजाइम के कारण चैलेंजेस क्या हैं डब्ल्यू टी एम एस एम ई के सामने डब्ल्यू टी ओ रिजाम में देखते हैं। रिमूवल ऑफ दिस वुड लीड टू लिबरल इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन एडिशनल कंपटीशन जैसे मान लेते हैं इंडिया में इंडिया के बारे में मान लेते हैं अगर इंडिया में इंपोर्ट कम हो ठीक है तो इंपोर्ट कम होगा तो जो यहां का लोकल चीज होगा वो खरीदना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट लिबरलाइज हो जाए इम्पोर्ट आप बहुत जितना मर्जी उतना कर सकते हैं और जो चीज़ मर्जी वो कर सकते हैं तो वो क्या होगा जो इंडिया के एमएसएमई होंगे उनको एडिशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा उनको उस लेवल की चीज़ें बनानी पड़ेंगी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स अंडर दिस रिजम हुए बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज वुड बी अवेलेबल टू द कस्टमर तो इंडियन एम वुड हैव टू इंश्योर दैट देर प्रोडक्ट मीट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन टू रिमेन कॉम्पिटेटिव यही चीज पहले लाइन में है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स इंडियन एमएसएमई को उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी ये होगा उनके सामने चैलेंज ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आउडेटेड टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द एमएसएमई यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा लैक ऑफ कैपिटल तो ये उनके सामने चैलेंज होगा कि आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करके उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी चैलेंज बन जाएगा इस रिजाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर सैबरल एम एस एम ईज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक बैड रोड्स अन रियल लेबल पावर सप्लाई हाई पॉल्यूशंस तो इसके कारण जो यहाँ का एम सेक्टर है वो प्रॉब्लम फेस करता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डब्ल्यू टी ओ में क्या होगा डब्ल्यू टी रिजाइम में अच्छी क्वालिटी के चीज अच्छे सब आएंगे अंदर तो ये एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा उसको सुधार करना पड़ेगा अपने में तो इस तरह से जो चार टॉपिक थे आपके वो मैंने कवर कर दिए हैं मोटा मोटा बुक में इससे ज्यादा नहीं है कुछ कुछ एम देख लेते हैं हम लोग क्या है पाला वॉट इज ए इन कैमल्स अगर आपने बेसल पहले से पढ़ रखा है तो आप ये जानते होंगे कैमल्स ठीक है उसमें ए क्या है ए है यहाँ पे एसेट क्वालिटी एडवांस नहीं है एडुकेसी नहीं है अप्रोच नहीं है ए है एसेट क्वालिटी कैमल का फुल फॉर्म आपको याद दिला दूँ कैमल स्टैंड फॉर सी फॉर कैपिटल एडुकेसी ए फॉर एसेट क्वालिटी एम फॉर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ई फॉर अर्निंग्स एल फॉर लिक्विडिटी एस फॉर सेंसिटिविटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये एग्जाम में आता है व्हाट इज़ एम एस एम समेरा क्या है एम समेरा कह लीजिए एम एस एम ई आर ए कह लीजिए एम एस एम ई आर ए ठीक है इसको इसको तोड़िएगा जैसे ही वैसे ही आपको याद आ जाएगा अगर आप एम समेरा पढ़ते हैं तो एम समेरा अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगा एम एस एम ई आर ए इसको पढ़िए तो ये क्या हो जाएगा ये दूसरा है एन एक्सक्लूसिव रेटिंग एजेंसी फॉर एम एस एम ई सेक्टर है और तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है लोन्स विदाउट कोलेटरल सही है लॉन्ग ड्यूरेशन लोन ये गलत है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपेमेंट ये भी सही है तो इसका हो जाएगा आंसर सी क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन लोन नहीं दिए जाते माइक्रो फाइनेंस में ठीक है इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ और इसके साथ ही खत्म हो गया आपका एमएसएमई का जो ना, क्या बोलते हैं इसको पूरा टॉपिक आठों चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है वो पूरा आपका खत्म हो गया तो आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम अच्छे से निकले एग्जाम अच्छे से हो जाए और अच्छे मार्क्स आए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है और आप चूक जाएं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि फिर आप अगली बार हम उस पर मेहनत करेंगे वीडियोस आपके लिए उपलब्ध रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आप उसको देख के और दोबारा भी कर सकते हैं निराश किसी भी हालत में नहीं होना है और पढ़ के अच्छे से समझ के एग्जाम देना है ठीक है और हाँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में ऑल द बेस्ट एक बार फिर से आप